दोस्तों आज हम करेंगे एससीएम और एलसीएम का क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ दिया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स, ये दे दिया हुआ है 12 है, 18, 21 एंड 28। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो नंबर है ना ये हो गया 12, उसके बाद 18, उसके बाद आपका 21, उसके बाद है आपका 28। सबसे पहले इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 252। उसके बाद एलसीएम आप फाइंड करने के बाद यहाँ बोला है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर ना, तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, 49 हो जाएगा। और इस 49 को हम डिवाइड करेंगे 252 से, याद रखो ये कंसेप्ट, ठीक है। तो ये देखो कितने बार में जाएगा, सबसे पहले 3 टाइम्स देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 657। माइनस कर लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा आपका 2। इस 9 को नीचे लेकर आते हैं। अब उसके बाद अब ये 9 टाइम्स देखते हैं, ये हो जाएगा 8, और ये उसके बाद हो जाएगा 6, फिर 2 और ये 2। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों को फिर माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, अब ये हो जाएगा आपका 13 यानी हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 32 यानी 1, ये 171। अब देखोगे 252 से इस फोर डिजिट ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर को आप डिवाइड किए हो तो रिमाइंडर क्या आया, 171। तो अगर हम इस 171 को इस नंबर से माइनस कर दे तो जो नंबर मिलेगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 39 टाइम्स में। तो देखोगे हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, यहाँ से माइनस कर देंगे 171 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 2, ये अगेन 8, और ये हो जाएगा आपका 9, यानी फिर आंसर हो जाएगा 9828। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।